सोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं जो डिविडेंड्स पे करने के लिए कंपनी को क्वेश्चन आता है। स्टेट द सोर्सेस आउट ऑफ विच डिविडेंड कैन बी पेड। डिविडेंड कहाँ से पे किया जा सकता है, उससे पहले जान लीजिए डिविडेंड होता क्या है। किसी भी कंपनी का जो भी प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट जितना होगा उसमें से वह शेयर होल्डर को पे कर देगा। जैसे मान लीजिए एक कंपनी का रेवेन्यू 10 लाख का है, लेकिन इसमें से कंपनी को प्रॉफिट जो हुआ है 6 लाख का है, तो ये 6 लाख उठा के दे देगी शेयर होल्डर्स को। जैसे मान लीजिए 3 शेयर होल्डर हैं, तो तीनों में बांट देगी कंपनी, दो दो चार दो 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 लाख सब में। डिविडेंड्स कैन बी पेड आउट ऑफ द करेंट ईयर्स प्रॉफिट, यानी जिस मान लीजिए 2022 में कंपनी का प्रॉफिट हुआ है 10 लाख का रुपए का, तो 10 लाख डिवाइड कर देगी और दे देगी शेयर होल्डर्स को। उसके बाद आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डिप्रिसिएशन, तो डिप्रिसिएशन भी देती है, शेड्यूल सेकंड के अंदर लिखा हुआ है कंपनीज एक्ट के अंदर। अब डिविडेंड्स कैन ऑल्सो बी पेड फ्रॉम द प्रॉफिट्स ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स। अब ऐसा नहीं है कि सेम ही ईयर से पे करेगी, अभी क्या लिखा है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर से भी पे कर सकती है। दैट वर ट्रांसफर टू फ्री रिजर्व, कुछ कंपनियां फ्री रिजर्व के अंदर भी रख लेती है कुछ प्रॉफिट्स। इन केस ऑफ अ कंपनी सेट अप अंडर सर्टेन एक्ट्स विद द गवर्नमेंट ग्रांट, डिविडेंड मे बी पेड आउट ऑफ गवर्नमेंट प्रोवाइडेड फंड्स सब्जेक्ट टू स्पेसिफिक रेगुलेशंस। अब कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो जिनका फॉर्मेशन होता है गवर्नमेंट ग्रांट्स के चलते, गवर्नमेंट फंडिंग के चलते, तो डिविडेंड्स पे किया जाता है उनको सब्जेक्ट टू स्पेसिफिक रेगुलेशंस। कुछ नियम्स होते हैं, कुछ लॉज होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं उसके चलते। इन रेयर केसेस, बहुत ही रेयर केसेस में, बहुत ही कम केसेस में डिविडेंड्स में भी पेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। जैसे मान लीजिए मैंने बताया था 10 लाख कंपनी का कैपिटल प्रॉफिट है, अब ऐसा बहुत ही कम केसेस होगा कि इसी 10 लाख में से डिविडेंड्स पे कर दिया जाए शेयर होल्डर्स को। बट ओनली वेन सच प्रॉफिट्स आर रियलाइज एंड स्पेसिफिकली परमिटेड बाई द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, तो अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन परमिट करेंगे तब जाके कैपिटल प्रॉफिट से डिविडेंड्स पे किया जा सकता है शेयर होल्डर्स को। तो ये कुछ कंडीशन थी जिसमें बताया गया था कि कैसे डिविडेंड्स पे किया जा सकता है और क्या क्या सोर्सेस हो सकते हैं पे करने की।